कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड पकोड़ा। ये देखिए, ब्रेड पकोड़े के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत है। 4 पीस हैंगे ब्रेड स्लाइस, आधा कप बेसन, 1/4 कप मैदा हैगा, एक छोटी प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया हैगा, थोड़ा सा धनिया हैगा, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चें 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, साबुत धनिया 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1 पिंच सोडे का हैगा, और 2 ये मैंने हरी मिर्चें ली हैंगी। चलें इसने बनाते हैं। 3 पीस मैंने काट लिए थे, 1 पीस मैंने आपको दिखाने के लिए कि इसके ऐसे स्लाइस हमने कर लेंगे। ये 4 स्लाइस हो गए ब्रेड के, देखें। ये मैदा छना हुआ है, बेसन, मैदा, ये सारे मसाले डाल देते हैं। हरा धनिया चॉप किया हुआ, प्याज, इसे मिक्स करें, और ये पानी, तेल डालते हैं। तेल जब तक गर्म होता है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको इतना करना है था कि ब्रेड स्लाइस पे अच्छी तरह कोट हो जाए। नमक मिर्चें अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब इसमें मैं ब्रेड डालते हैं। अच्छी तरह से कोट कर लें। ताकि जो हमने प्याज, हरा धनिया और चीज़ें डाली हैं वो सब इसके ऊपर लग जाएं। चलिए देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चाय के साथ बहुत मजे के लगते हैं, शाम की चाय के साथ खाएं आप, कोई मेहमान आ जाए आप उसे खिलाएं। ये देखें, ये तकरीबन सारा बेसन इसमें कोट हो जाना चाहिए। ये देखें, कुछ स्लाइस मैंने डाल दिए, जो बाकी रह गए थे वो मैंने इसमें डाल दिए। ये देखें, सारा कोट हो गया इसमें। ये देखें, इस तरह से ये सुनहरे हो जाएंगे। बस अब हम इसे निकाल देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, ये मैं अब ये जो बाकी के रह गए थे वो डाल रही होंगी, मैं तल रही होंगी। बहुत मजे के लगते हैं। आप ये कोई आपका कोई दोस्त आए, आपकी कोई बहन है, बेटी है, आप उन्हें खिलाएं और दाँत वसूल करें। ये देखें, पकोड़े तैयार हो गए हमारे, ब्रेड पकोड़ा। और अब मैं इसके साथ आपको ये मायो डिप बनाना बताती हूँ। बहुत इजी है, बस मायो डिप में 2 चम्मच मैंने लिए हैंगे मेयोनीज के, 2 चम्मच लिए केचप के, और ये थोड़ी सी चुटकी डाली हमने कुटी हुई लाल मिर्च।
ये इस ब्रेड पकोड़े के साथ बहुत ही मज़े की लगती है कि आप बनाएं खाएं, देखिएगा आपको कितनी अच्छी लगेगी। ये देखें ब्रेड पकोड़ा और मायोनीज डिप तैयार है। ये देखें दोनों रेसिपियाँ तैयार हो गई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे बने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने नई आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। शुक्रिया।